तो अगर आप बैंक जाना चाहते हैं या फिर आपका बैंक में कोई काम है, तो दोस्तों हमने पहले भी आपको वीडियो बनाकर चेताया था कि 30 और 31 तारीख को बैंक बंद रहेंगे। तो दोस्तों 30 और 31 तारीख को बैंक बंद रहेंगे, आपका कोई काम नहीं हो सकता। अगर आपकी सैलरी आने वाली है तो वो भी अटक जाएगी, और आपको पैसे जमा कराने, निकलाने या चेक से संबंधित कुछ भी काम हो, आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। दोस्तों हम बताते हैं आपको पूरी रिपोर्ट क्या है, पूरी रिपोर्ट और किस कारण बैंक कर्मी हड़ताल पर गए हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारी वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल IFSC नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसके बगल में बेल आइकन होगा, वो भी दबा लीजिए। दोस्तों उससे क्या होगा, आप सारी न्यूज़ और जानकारियों से अपडेट रहेंगे, क्योंकि जैसे हम कोई वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा सबसे पहले, और आप हर चीज़ से अपडेट रहेंगे। तो दोस्तों आप बता देते हैं आपको क्या है पूरा मामला, बैंक कर्मी हड़ताल पर क्यों है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि 30 और 31 तारीख को यहाँ पर दे रखा है, आप गूगल पर किसी भी न्यूज़ वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं 30 और 31 तारीख को बैंक कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। दोस्तों ये अपने 2% वेतन वृद्धि के विरोध में हड़ताल पर जा रहे हैं। दोस्तों सरकारी बैंकों के हजारों कर्मचारी और अधिकारियों ने 30 और 31 मई को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इससे देश भर में बैंकिंग सर्विसेज बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है, बिजनेस और इंडस्ट्रीज पर भी इसका बुरा असर पड़ने का आशंका है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने स्वीकार किया है कि हड़ताल का असर बैंकिंग सेवाओं पर होगा। बैंक यूनियनों ने इस हड़ताल का ऐलान वेतन में 2% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव के विरोध में किया है। जी हाँ दोस्तों, बैंक यूनियनों के मुताबिक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने उनके वेतन में महज 2% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है, जिससे 5 मई को हुई IBA की बैठक में लाया गया था। इसमें 31 मार्च 2017 तक वेज बिल कास्ट में 2% के इजाफे का प्रावधान था, लेकिन बैंक यूनियन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।